मतलब तुमने यहाँ पे ब्रेस भी लगाया हुआ है कि अपना झूले ना गाड़ी स्टेबल रहे। दिल्ली वाले भाइयों को दिखाओ कि यार लैम्बोर्गिनी और सफल कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे खुद अंदर जाए कुछ नहीं करना। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है ये 3 सिलेंडर के हिसाब से। अच्छा हाँ, एंड सेकंड इसमें ये वो भी है आपका शिफ्टिंग लाइट भी है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर भी आई भाई, एक पूरा का पूरा शीशा भाई, क्या फिटिंग है इसकी यार। तो यार बहुबुल के द्वारा मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड भाई तुम देख लो, तुम्हारे लिए कंटेंट शूट करने के लिए हम यार शिमला आए हैं भाई, शिमला का कार कल्चर दिखा रहे तुम्हें। और मेरे सामने यहाँ पे मारुति 800 2004 मॉडल विद लैम्बो डोर और सनरूफ मिस नहीं करना भाई, क्योंकि मारुति 800 में कभी आज तक सनरूफ आया नहीं था। और मैं तुम लोगों का थोड़ा ब्रीफ करूँ ना, मैंने एक वैगनार की वीडियो भी बनाई थी जिसमें सनरूफ था, और भाई उसमें सिर्फ सनरूफ था ठीक है, बाकी हल्की वल्की मॉडिफाइड टेस्टफुली तो बोलते हैं। उसके ऊपर इतने सारे गूगल में आर्टिकल छप गए, मैं तो सोच रहा हूँ भाई इस गाड़ी का क्या होने वाला है, कितने आर्टिकल छपेंगे इसके ऊपर, बेहतरीन कल्चर दिखा रहे तुम्हें। अच्छा सबसे पहले हम भाई से इंट्रोड्यूस कराते हैं, भाई आपका नाम क्या है? पूरव है। पूरव भाई कैसे हो? बढ़िया। पूरव भाई मुझे पहले तो ये बताओ, पहाड़ों की रानी तो हम बोलते हैं मारुति 800 को, तो ये मारुति 800 अपनी पसंद थी या ये यार फर्स्ट हैंडी ली थी 2004 में? फर्स्ट हैंडी ली थी, पर इसको मैंने मॉडिफाई करना। किस लिए? अपने काम के लिए ली थी कि अप डाउन के लिए, फिर मॉडिफिकेशन? फैमिली ने ली थी, तो अच्छा फर्स्ट कार थी हमारी, तो मैंने इसको 4 साल पहले मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। अच्छा अब कंप्लीट हुआ है? अब कंप्लीट हो गया। कैसे फैमिली ने कैसे माना? और गाड़ी दूसरी आई घर पे? क्विट पड़ी है दूसरी। अच्छा क्विट चलाते ही पर्सनल है। अच्छा कैसे, मतलब यार ये बताओ मारुति 800 की मॉडिफिकेशन, देखो पहाड़ों में काफी चलती है, शिमला में भी काफी मॉडिफिकेशन में देखता हूँ मारुति 800 ऑल्टो भी चलती रहती है, तो कोई इंस्पिरेशन थी गाड़ी या फिर अपने आप से ही जो दिमाग में आया वो करते गए? ऐसा तो नहीं, बट ऐसा था कि यार देखो अब गाड़ी तो सबके पास है, मेरा ऐसा था कि थोड़ा डिफरेंट दिखना है, गाड़ी रोड पे चले तो लगे भाई कोई आ रहा है। पर यहाँ पे पुलिस का सीन नहीं होता? थोड़ा है पुलिस का भी है, पर थोड़ा अंडरग्राउंड रहना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कौन से रोड में कॉप्स है कौन से में नहीं है, तो उस हिसाब से चलानी पड़ती है। जैसे भाई हम अभी ना अंडरग्राउंड लोकेशन पे आए हैं ठीक है, यहाँ पे आने आने तक ना मेरी गाड़ी जवाब दे गई थी, ऑफकोर्स XUV 300 तुम जानते हो छोटी गाड़ी में भाई इतना का ही दिक्कत होती है। पर मानने वाली बात ये है कि भाई मेरी गाड़ी फिर भी टर्बो है, उसकी BHP टॉक अच्छी खासी है, इसका BHP 38 और इसका टॉक 57-58 के आसपास है, इतनी कम पावर के साथ साथ ये कैसे चढ़ जाती है, क्या एरोडायनामिकली का फर्क है कुछ? ऐसा तो नहीं आपको बताइए, पहाड़ों में सब मारुति रखते हैं, मोस्टली मारुति ऑल्टो यही चलती है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड गियर में बहुत इनफ है सेकंड, मतलब छोटी गाड़ी अपना साहब की तरह कहीं भी चढ़ जाती है। तो जरा बात करते हैं इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, क्योंकि लोगों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। आगे से स्टार्ट करें? हाँ सबसे पहले इसमें लगे LED प्रोजेक्टर्स। अच्छा HJG के डुअल कलर्स है, मैं आपको जला के दिखाता हूं। ओके और अभी लैम्बो डोर्स पे भी आएंगे, अरे वाह यार येलो है एंड ये वाइट है। अच्छा बेहतरीन। इसके बाद एंड इसके बाद यहाँ पे ये बंपर चेंज हुआ है इसका? नहीं बंपर स्टॉक है। अच्छा बंपर स्टॉक है और यहाँ पे कोल्ड एयर इनटेक भी? हाँ कोल्ड एयर इनटेक है, आगे हमने जो एयर फिल्टर लगाया उसके लिए। अच्छा देख लो भाई ने मतलब एयर फिल्टर भी लगा रखा है, जिससे हल्की वल्की कुछ BHP का फर्क आया होगा। अरे वाह मतलब तुमने यहाँ पे ब्रेस भी लगाया हुआ है, कि अपना झूले ना गाड़ी स्टेबल रहे, बहुत सही। तो अगर इस एयर फिल्टर की बात करें K&N का है? K&N ओरिजिनल। यार मतलब मुझे पहले ये बताओ यहाँ बंदे इतना ध्यान देते हैं गाड़ियों पे कि यार बैलेंसिंग के लिए सब कुछ सोचा जा रहा है, एयर फिल्टर भी मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा, हमें लगता है दूर से भाई कि यार पहाड़ों में गाड़ी क्या ही हो रही है, चटक मटक एलॉय लग रहे होंगे या फिर हमें लगता है कि ज्यादा नहीं होगा, पर जितना मैं अभी देख रहा हूँ यार बहुत कुछ रेसिंग स्पेक्स में हमने गाड़ी को तैयार करा और अभी तो अंदर रेसिंग सीट सब कुछ है। कुछ है। बहुत बढ़िया यार। तो इससे कितने BHP कुछ फर्क आया? इससे यार 10% आएगा। 10% मतलब 38 BHP होगी तो अब 42 होगी। मतलब 3-4 BHP ज्यादा से ज्यादा है ना। ओके अब जरा साइडों पे आते हैं। अच्छा एयर इनटेक से तो देखो गाड़ी जितना ज्यादा ब्रीद करेगी अच्छा उतना परफॉर्मेंस पे रिजल्ट आएगा ठीक है। हाँ तुम देख सकते हो बहुत बेहतरीन। यार मुझे जरा लैम्बो डोर्स का बताओ, लैम्बो डोर्स मैं पहली बार जब से मैंने चैनल बनाया मिहिरगल, मैं पहली बार कोई इतना सक्सेसफुल लैम्बो डोर देख रहा हूँ। इसको बंद करो दोबारा खोलो, लोगों को दिखाओ, मेरे दिल्ली वाले भाइयों को दिखाओ कि यार लैम्बो डोर सफल कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे खुद अंदर जाए कुछ नहीं करना। ये देखो परफेक्ट फिट है, खुलता ही बाहर आके इजीली है खुद ऊपर जाएगा। लैम्बो डोर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है भाई बंद करने की, खुल तो जाता है ठीक है, अगर मैं इसको बंद करूँ देखो यहाँ से मुझे ऐसे करके बस छोड़ देना है।
तो यार इसमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल जहां हमने फिटिंग कराई थी हाँ? वो प्रोफेशनल थे काफी ज्यादा। तो कहाँ से काम हो जरा बता दो। ऑटोमोटिव से, ऑटोमोटिव इंस्टाग्राम पे आप सर्च करना, ऑटोमोटिव होगा। शिमला में ही है? शिमला में ही है। अच्छा, और काफी टॉप की दुकान है आप बोल रहे हो? बहुत ज्यादा टॉप की दुकान है। ओके, एंड जैसे हमने फेंडर एक्सटेंड करवाया है, स्टॉक फेंडर है हाँ? इसके ऊपर ये दूसरा फेंडर हमने लिया है। और ये हमने कैसे फाइबर में किया है? ये मेटल का फेंडर है जो ओरिजिनल आता है कार का। ओके, प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह पुट्टी वगैरह मार के इसको प्रॉपर फिनिश दे दी हमने। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। हर बार ना दिक्कत बस यही होती है कि यार जब ऐसे दरवाजा नीचे आता है ना तो अड़ता है यहाँ पे। ठीक, जैसे यहाँ पे जो फेंडर थोड़ा सा इन्होंने कर वो थोड़ा सा जो उसको बाहर की ओर निकाला है, जिसकी वजह से अड़ नहीं रहा। देख लो फिनिशिंग, देखो कितना कितना कम गैप बचा है। वही वही यार। और सबसे मेन तो ये कि यार मैं एक बार ना इसका सिस्टम दिखाना चाहता हूँ। तुम देखो ये यहाँ पे इसका पूरा सेटअप लगा हुआ है। ये यार कैसे, मतलब जरा इसका बताओ क्या मैकेनिज्म यूज हो रहा है यहाँ पे? ये देखो, इसमें जैसे आपकी डिक्की होती है हाँ? डिक्की में शॉकर होता है हाँ? इसमें भी एक शॉकर लगा है। वैसे दो आते हैं बट इसका डोर लाइट है। अच्छा, एक शॉकर इसमें सक्सेसफुल है, बस शॉकर है, शॉकर इसको पुश करेगा एंड हाँ? नीचे को भी आएगा तो शॉकर इसको रजिस्ट करेगा। अभी रजिस्ट कर रहा है, अब पुश कर रहा है ऊपर को। अच्छा, बस ये सिंपल फंडा है। एंड यार साथ साथ जरा ये भी बताओ, फेंडर को हमने थोड़ा सा बाहर किया, हल्का वाइट बॉडी उसमें लुक दिया। वाइट बॉडी बिकॉज ये कैसा है ना कि आपका टायर ज्यादा चौड़ा है। हाँ। ज्यादा चौड़ा होगा फिर आपको पुलिस वाले आगे से परेशान करेगी आपका टायर बाहर है, तो उसको मैच करने के लिए हमने फेंडर फेयर लगा दिया है। इसके बाद मैच हो गया बॉडी एंड टायर मैच। अरे बहुत सही। तुम देख लो जितने बंदों को यार जे कॉनकेव एलॉयज टायर्स का ऐसे मतलब इंटरेस्ट है, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो सीन। ठीक है, बहुत बेहतरीन। पीछे भी सेम किया, पर यार इसमें ये फिनिशिंग वाली बात क्यों नहीं आ रही? ये क्या लगा रखा है इसमें? ये तो सिर्फ लुक के लिए हल्का सा ही ब्लैक हो गया, मैच हो जाएगा। पर इसके बिना भी एक बहुत अच्छा लुक आ सकता था ना इस पे? ये बाद में करवाया, पहले तो ये ऐसी था, बाद में हल्का सा थोड़ा कस्टमाइज। पसंद की बात है। अच्छा, एलॉयज का जरा बता दो, एलॉय मुझे सेम इंच है जो कंपनी से आता था? ये नहीं, 13 inches है, 13 inches है, न्यू व्हील्स का है। कंपनी से कितना था? 12। अच्छा, एक ही अपने अपग्रेड किया है, 7G है ये, 7G वाइडेस्ट है कार में, वाइडेस्ट, इससे वाइड नहीं जाएगा। मतलब 30 इंचेस में 7G बहुत वाइड है। अच्छा, और 165 mm का टायर, 165 mm का टायर है। इसके ऊपर काफी टचिंग आ जाएगी, इसके ऊपर तो नहीं आएगा। और देख लो ब्रिजस्टोन का टायर भाई लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है शिमला के यार रोड्स फिर कैसे हैं। बेहतरीन। अब जरा तुम पीछे का रुक देखो। ठीक है यार, मुझे सबसे पहले बताओ, यहां पर मैं जितनी गाड़ियां देख रहा हूं ना, सबने डिफ्यूजर्स में कटिंग कर रखी है पीछे के रियर बम्पर में, हम बोल सकते हैं। ये ऐसा क्या, इससे क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो लुक के लिए है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक के लिए, सेकंड ऑफ ऑल इसका थोड़ा परफॉर्मेंस का भी फर्क पड़ता है हल्का सा। अगर आप हाई स्पीड से हो ना, एयर इसमें ट्रैप नहीं होती है बम्पर में, जब एयर ट्रैप नहीं होगी तो बम्पर ट्रैक प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना, पुश नहीं करेगा इसको। अब एयर यहाँ से बाहर निकल रही है तो ट्रैक कम प्रोड्यूस हो रहा है। ट्रैक होता है जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो एयर कहीं ना कहीं फंस जाती है। हाँ। फंस रही है तो वो आपके रेजिस्टेंस कॉज कर रही है। ये रेजिस्टेंस कम कर रहा है एयर को ट्रैवल होने, एक तरीके से रेजिस्टेंस कम कर रहा है, कम कर रहा है। स्मोक करा रखा है बंदे। एंड एक बार जब इसकी डिक्की दिखाऊं तो सिस्टम में भी काम हो रखा है। तुम देख लो बेस ट्यूब और साथ में ओवल यहाँ पे है, बहुत बेहतरीन। अच्छा, यहाँ भी बंदे लेटर रखते हैं अपने पास। सही यार, ये पेटी में देख रहा हूँ यार, ये क्या कस्टमाइज पेटी है क्या 800 के हिसाब से? ये हा? यार ये देखो ना, इससे बड़ी पेटी मिल रही थी बट ये परफेक्ट थी इसकी। हाँ, इससे बड़ी पेटी तो आ ही नहीं सकती। तो ये प्रोनॉट की बेस्ट ट्यूब है, 12 inches की। अच्छा, 12 inches की बेस्ट ट्यूब है। ओके, और अगर मैं इन ओवल्स की बात करूँ, ये है आपके वोल्टेक के 4-way स्पीकर्स है, वोल्टेक के 4-way स्पीकर्स है, 800 वॉट्स। अच्छा, ओके भाई, अंदर बैठते हैं यार, क्योंकि सबसे मेन तो तुम देख लो रेसिंग सीट्स भाई ने लगा रखी है। आओ यार, अब पता है स्ट्रगल इस चीज की। अच्छा, भूल गया था मैं कि इसको ऐसे पुश करके सिंपल ऊपर ले आना है। मैं आ जाऊंगा इसमें, लग रहा है? आ जाओगे, आ जाओगे। सीट पीछे बस। हाँ यार, लग तो मुझे मेरा आ जाऊंगा। भाई कितनी पीछे हो गई, रुको सेट करना इसे जरा एक बार यार ऊपर की ओर। ठीक है, इतना मारुति 800 में आ गया मैं यार। ये वही वाली बात होगी कि यार ओमनी अभी आ ही जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, ओमनी भी दूर से लगता है कि यार ओमनी में शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हाँ आ गए बढ़िया से। अच्छा, यहाँ देखते हैं अब भाई, मोमो की स्टेयरिंग मैंने सेम देखी है ऐसी। ये OMP, ये क्या मोमो का कॉपी प्रोडक्ट है? नहीं नहीं, OMP भी एक रेसिंग कंपनी है। ओहो, सर्च करो गूगल पे, OMP की बहुत सारी रेसिंग गियर, नॉब, स्टेयरिंग, पेडल सब कुछ बनाती है। ये OMP का स्टेयरिंग है, बाकी उसे हाई क्वालिटी स्टेयरिंग है, विड्थ में अच्छी है। और ये अपना हवल है कि बाहर निकल जाता है? नहीं नहीं, डिटैचेबल, डिटैचेबल नहीं है। ओके, मतलब रेसिंग स्टेयरिंग ही कुछ इस तरीके के होते हैं। और सबसे ज्यादा हमने फिर भाई मोमो के बहुत ज्यादा देखे हैं, कि मोमो का बहुत ज्यादा ही चलन है।
पहले इसमें मोमो लगा था। अच्छा, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था यहाँ भी, सबके पास मोमो था, तो मैंने ये किसी के पास लगा ही नहीं अभी तक एमपी का। ओके, बहुत रेयर है, पर डिजाइन थोड़ा सिमिलर है, सिमिलर बट ये ज्यादा कनकेव है, बहुत डीप, बहुत ज्यादा डीप है। Okay. मुझे बता दो ये क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीयरिंग का तो हो गया। हाँ। ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल आरपीएम लगा हमारे पास। अच्छा, ये जो आरपीएम है, जैसे ये कार में 3 सिलेंडर्स आते हैं। हाँ। तो ये 3 सिलेंडर के लिए कैलिब्रेट किया है, ये मतलब इसकी जो रीडिंग आएगी बिल्कुल परफेक्ट आएगी 3 सिलेंडर के हिसाब से। अच्छा। हाँ, एंड सेकंड इसमें ये वो भी है, आपका शिफ्टिंग लाइट भी है। शिफ्टिंग लाइट, हाँ, जब गियर शिफ्ट करना होगा लाइट जल जाएगी यहाँ पे। वाह यार, आपको दिखाएंगे, बेहतरीन। एंड सेकंड इसमें देखो स्पार्को के गियर नॉब लगा है, स्पार्को के, बहुत सही यार, फुल रेसिंग स्पेक। पेडल्स भी की स्पार्को के लगे हैं। यस, तुम लोग देख सकते हो, अवॉइड करो चप्पल को। एंड ये यहाँ पे नॉब लाइट्स के लिए, प्रोजेक्टर्स, एलईडी प्रोजेक्टर्स का वो है। अच्छा, फास्ट एएफ, जिसने समझना समझ ही जाएगा एएफ का मतलब। पर यार ट्यून वगैरह कल्चर नहीं है यहाँ पे। हाँ, ट्यून का इतना नहीं यार, अब आपको पता है रोड ही नहीं है इतने भगाने के लिए, तो ट्यून का थोड़ा इशू है। पर मैं वही कह रहा था भाई को कि यार हम पैडल बॉक्स वगैरह भी अगर मन करे, क्योंकि शिमला में थोड़ा सा ऑफ कोर्स रोड वैसे है, पर बीच में तो प्लेन्स भी आते हैं, तो एंजॉय कर लो बंदे, तो यार देखो पहाड़ों में एंजॉय कर लेते हैं और वैसे भी, तो पैडल बॉक्स का सीन मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, एनए गाड़ियों में ना पैडल बॉक्स बेस्ट रहता है। पर वो वाली बात है कि यार ईसीयू से उसका लिंक होता है, इसमें तो ईसीयू भी नहीं आता, मैनुअल कनेक्ट हुआ मैनुअल पैडल एंड थ्रॉटल बॉडी। ओके, एंड हमने आपने ये क्या लिखा हो भाई, ये भी जरा साथ साथ बताएं आप, क्या ये 5Z? ये तो एक रेसिंग कंपनी है उसका। अच्छा। हुआ है ये थोड़ा बहुत एक्रेलिक वो करिए, क्या बोलते हैं इसे, एक्रेलिक शीट से। ओके, एंड ये नीचे ये स्पीकर लगा यहाँ पे सोनी का 2-way स्पीकर, तो इसमें ये ऐसा ये डिजाइन आता है इसका, ये हमने नहीं कस्टमाइज किया यहाँ पे, तो नॉर्मल वो आता है, ये अंदर से लगाने के लिए बना था। अच्छा। हमने बाहर से लगा दिया ज्यादा साउंड। अरे वाह, तो भाई सबसे पहले फिर सिस्टम चेक कराते हैं यार। हाँ बिल्कुल, है ना, एंड सीट्स तो काफी कंफर्टेबल है, बहुत सही, सिस्टम चेक करते हैं। अरे ऊपर सनरूफ की बात करेंगे अभी। वही वही बात है कि यार मारुति 800 के हिसाब से ऊपर से छोटा बेस जो भी है तो ज्यादा आउटपुट क्या ही है, इसमें पीछे डैम्पिंग हो रखी है डिक्की में पूरी। अच्छा, साउंड साउंड अच्छी है, बहुत बेहतरीन, बेहतर मतलब ठीक है, इनफ है, जैसे बोलते ना कि इतना भी ज्यादा अपने को क्या ही करना। हाँ, भाई इसको अब हम एक शॉर्ट स्पिन पे लेके जा रहे हैं, तो अभी हम यहाँ देखो वैसे तो थोड़ा सा ऐसे एरिया में जहाँ सीट बेल्ट की जरूरत है नहीं है सच, तो सीट बेल्ट क्या लगाना, पर आओ जरा स्टार्ट करते फर्स्ट गियर पे आई भाई। एक मुझे पहले ये लॉक नहीं होती क्या सीट, ये थोड़ा इसमें इशू है यार। मुझे अब जरा ये बताओ अपना एग्जॉस्ट में क्या काम हुआ है इसमें, मफलर लीड है, मफलर लीड है, लेकिन कोई स्ट्रेट पाइप वाला सीन नहीं है, कोई स्ट्रेट वाला सीन, बस मफलर लीड है, ओनली मफलर लीड से इसमें ऐसा आवाज आ रहा है। हाँ, इसका इंजन बहुत रिफाइंड रखा है ना, मेंटेन रखा है उस वजह से। यार एक बार जरा शॉर्ट स्पिन लेंगे फिर लास्ट में लोगों को फिर से साउंड सुनाएंगे। बिल्कुल, चलो भाई आओ चले जाओ ऊपर आओ यार। अच्छा ब्रेकिंग थोड़े से ध्यान देना पड़ेगा इसमें, मैनुअल है ना, मैनुअल तो है लेकिन थोड़ा गाड़ी भी अपनी खतरनाक है ना, फिर मारुति 800। अब मजा पता है क्यों आने वाला है, क्योंकि यार मैंने अक्सर ऐसे ड्राइविंग प्रेशर ना प्लेन रोड्स पे लिया है भाई। आगे भी दिखाओ आप साथ साथ, ये देखो पहाड़ के रस्ते ले बेटे भाई। भाई ब्रेक तो इसके सच में ऐसा लगता है दो कितना 50-60 मीटर पहले से ब्रेक मारना चालू कर दो। भाई अच्छा ये बढ़िया है कि यार यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी बनाया हुआ है, ये बहुत सही कर रखा है यार। मुझे लग रहा है मैं ज्यादा नीचे अगर ले गया तो उतना ही ऊपर लाने में कोई बात नहीं, खींचेगी गाड़ी यार। अच्छा ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये बता रहा है कि अब शिफ्ट कर लो। हाँ ये एक शिफ्टिंग लाइट है। ओके, सेट किया हमने पर्टिकुलर आरपीएम पे सेट हो गए, ये जब एक पर्टिकुलर आरपीएम से ऊपर इसकी नीडल जाएगी। हाँ, तो फिर बताएगा शिफ्ट करने का टाइम है। अभी ऐसे हमने इसको 2.5 कर रखा है। अच्छा अरे तू तो बहुत मजा आता होगा इस गाड़ी पे यार। मजा आता है बहुत, सही में यार, मतलब तो आवाज भी इसकी अपीलिंग है ना, ज्यादा लाउड ना ज्यादा उतनी तीखी, मतलब ऐसा है कि हाँ अच्छा है, नो डाउट। अच्छा ये गेट किस चीज का जरा बताओ साथ साथ यार, ये जो इस ऊपर साइड रेस्ट है ना ये उसकी एंट्री है यहाँ पे। अच्छा, उसलिए ये गेट है।
ओके आओ जरा गाड़ी को हम रिवर्स करें, ठीक है, बेहतरीन। अब सेम मजा आने वाला है ऊपर ले जाने में, ठीक है भाई। सच में यार मतलब ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको चलाने में। अगर मेरी गाड़ी होती ना तो मुझे पता है उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही होती। इसमें देखो जब मर्जी मोड़ दो अपना आराम से, स्टीयरिंग का भी फायदा पता लग रहा है, ठीक है। आओ शिफ्ट करके सेकेंड से ऊपर जाने लायक अभी सड़क नहीं है वाली। ये देखो स्पीड ब्रेकर पे आराम से गलत यार गलत। तुम लोग जरा बताओ तुम लोगों को वीडियो में क्या वैसा मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो यार चलाने में तो कुछ अलग ही सीन आ रहा है। मतलब सच में बेहतरीन मजा, जैसे बोलते हैं ना फुल बेरहम गाड़ी। इसके मैं देख रहा हूँ मारुति 800 की फर्स्ट गियर में इतनी जान है कि मुझ जैसे बंदे को लोड करके भी आराम से चढ़ जा रही है ऊपर। यार ये बात तो माननी पड़ी। अब देखो सामने ये स्पीड ब्रेकर पार करूंगा मैं, ठीक है। अब जरा आप सामने का दिखाना, ठीक है। लो फर्स्ट गियर पे कैच के, यार ये गाड़ी तो भाई मतलब मानना पड़े। ओए यार नाम क्या है तुम्हारा? पूरा भाई ये सीट तो कुछ गलत ही है, ये थोड़ा इसमें इशू है हल्का सा। अच्छा मतलब तुम बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं था कि यार आप इतने ओवरवेट निकलोगे, तो मैं पहली सीट जुड़वा के आता। कोई दिक्कत नहीं गाइस, इशू है ये। हम ऐसे एंजॉय करते रहते हैं वीडियो में, तुम जानते हो है ना। लाइक मैंने इससे पहले कहा था लाइक सब्सक्राइब पहले ही मार दो, तुम देख लो चलाने में तो बेहतरीन मजा आया। एंड भाई साथ साथ जरा ये सनरूफ भी दिखाओ, मैनुअल सनरूफ है ये मैनुअल है। अच्छा वेबेस्टो का है ये, मैं वही मैं जानना चाह रहा था यार। वेबेस्टो वाली गारंटी वारंटी देते ना पूरा 2 इयर्स की वारंटी। और मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि यार देखो मैं तो पर्सनली कभी वेबेस्टो गया नहीं हूं, जितना मैंने ओनर से सुना है ना वेबेस्टो बढ़िया ब्रांड है सनरूफ के मामले में, और आपको अच्छी खासी वारंटी भी देता है गाड़ी पे है ना, तो वेबेस्टो जा सकते हो। ये तो है भाई, बस जरा इसको खोल के दिखाओ। देखो इसमें 4 सेटिंग्स है, ये इसकी फर्स्ट सेटिंग है। अच्छा ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, एंड ये फोर्थ हो गई। बाकी okay. पूरा बाहर भी आता है। अच्छा पूरा बाहर भी निकल सकता है, निकलता है एंड ऐसे ही क्लोज होता है। अरे वाह यार, एक बार इसको निकालो बाहर फिर। हां निकल जाएगा, एक बार निकालो पूरा। इजी है, देखते हैं कैसे बाहर निकालने की सेटिंग है। इसको किया, अब देखो तुम साथ साथ ये लॉक खोल के पूरा का पूरा शीशा। भाई क्या फिटिंग है इसकी यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। मतलब टैलेंट तो है इन इस ब्रांड में, हाँ ये बात तो है यार। और सनरूफ भी थोड़ा ब्लैकआउट करके दे रहे हैं कि थोड़ा लुक। हाँ टिंटेड ग्लास है ताकि यूवी रेडिएशन अंदर ना आए। ओह माय गॉड, यूवी रेडिएशन अंदर ना आए, साथ में लुक भी गाइस मैटर करता है ना। हाँ। बहुत बेहतरीन है, बहुत सही, लगा सकते हो आप वापस। अब जरा लगाने का भी उतना ईजी है, ईजी है, बहुत ईजी है यार। सही है यार वेबेस्टो का ना ये। अब जरा ना बाहर जाके ना तुम्हें हम एक बार एग्जॉस्ट की साउंड सुनाएंगे, ठीक है, फिर वीडियो एंड करते हैं। मुझे तो बस बहुत मजा आया, तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, काफी सारी परफॉर्मेंस मोड से लेकर ऐसी पहाड़ों की रानियां भी दिखाएंगे तुम्हें, और भी रानी आ रही है अभी क्या रिवील करना। आओ भाई आप आओ इस तरफ, और साथ साथ तुम देख लो यार यहाँ पे टेल लाइट भी लगी हुई है, जिसमें यार ऑफकोर्स मैंने दिखाया था टेल लाइट स्मोक है, पर साथ साथ थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है। आफ्टर मार्केट तो नहीं है ना, खुद से कस्टमाइज कराई है? नहीं आफ्टर मार्केट है, मतलब पूरी की पूरी लाइट आफ्टर मार्केट है, पूरी लाइट आफ्टर मार्केट है, उसको कस्टमाइज तो उन्होंने किया ना, मैं तो खुद नहीं किया। लाइट तो तुम्हारी होगी ना, लेकिन तुम्हारी लाइट में कस्टमाइजेशन हुआ है, फिर अलग से लाइट खरीदी है पूरी? नहीं नहीं ये हमने ऑर्डर करवाई है दिल्ली से। अच्छा किससे? टू ब्रदर्स से। तभी तभी तो टू ब्रदर्स वालों को आपको एक सैंपल तो देना पड़ता है ना अपनी लाइट का, उनकी पेज पे पड़ा है ना सैंपल तो। अच्छा ओके, मतलब तुम देने को वैसे अपनी लाइट भी दे सकते थे उन्हें? दे सकते हैं, बट उसमें फिर इतना खर्चा, अपनी लाइट भेजो फिर ऑल। कितने की पड़ी वैसे? 8,000 की, सही रेट है, ठीक है है ना। 2,000 बेस्ट यार। देखो मेरी ओमनी का भी टेलर दोनों से बन रहा है ना, तो वो लोग तो कुछ गलत है। अच्छा मैं अगर 2,000 ने काम किया तो काम बारीकी वाला होता है भाई। तुम देखो मुझे तो ये तो फिर भी भाई एक सिंपल डिजाइन होगा, तुम्हें पसंद आ रहा होगा डिजाइन, तो और भी होंगे 800 के लिए। इसके लिए 4 डिजाइन है उनके पास। अच्छा 4-5 एटलीस्ट, और सारे बेहतरीन होंगे। अच्छा तो इसमें जरा क्या है, ये एक ये डीआरएल है, एक ये डीआरएल है, बाकी आपको दिखाता हूं आगे से। पार्किंग भी है, व्हाइट वाली रिवर्स हो गई। अच्छा इंडिकेटर हो गए, एंड अभी जो मैंने ब्रेक दबाई थी वो ब्रेक लाइट, इसकी ब्रेक लाइट हो गई। तो अब एग्जॉस्ट सुना दे फिर, अब एग्जॉस्ट सुनाते हैं, तुम देख लो। ओनली मफलर डिलीट से क्या बेहतरीन साउंड आने वाला है, ये देखो। बहुत सही, बहुत सही। इसी नोट पर जरा अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और हाँ सुनो मेरी बात, तुम लोग काफ़ी सपोर्ट अपने को दिखाते आए हो, पर अभी और सपोर्ट हमको दिखाना है। ऐसा नहीं कि हमने कोई प्राप्त कर ली चीज़, हमें तो अभी बहुत ऊपर जाना है, इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी लेके जाना है। तुम लोगों के लिए मैं तुम जानते हो
तुम्हारा भाई कभी भी कमी नहीं लगता मेहनत करने में, ठीक है। जब दिल्ली में भी इतने सारे वीडियो बना दिए तो बाहर आके तो तुम जानते हो क्या से क्या खजाना तुम्हारे लेके आऊंगा, तो बहुत कुछ आने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब 30 मिनट्स आएंगे भाई डबल अप जो है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बताना कि तुम लोगों को यार गाड़ी कैसी लगी, एंड बातें करते हैं, ठीक है। तो रन करते वीडियो को, तो यार मैं भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड साथ में साइनिंग आउट।